हेलो दोस्तों, अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज से करीब 102 वर्ष पूर्व घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। दोस्तों, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को वर्तमान पंजाब प्रांत के अमृतसर में घटित हुई थी। मार्च 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की केंद्रीय असेंबली में एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य भारतीयों की आवाज को दबाना तथा किसी भी ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों को रोकना था। ब्रिटिश हुकूमत ने रॉलेट एक्ट अधिनियम में ये प्रावधान शामिल किए कि किसी भी भारतीय को ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने की आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और साथ ही ऐसा भारतीय अपने बचाव के लिए न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकता था। ऐसे काले कानून के खिलाफ देश के समस्त हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गए। ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व पंजाब में संभाला था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने। इन दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर रूल लागू कर दिया, और इसी के साथ ही पंजाब की समस्त कानून व्यवस्था की बागडोर तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के हाथों में आ गई। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों ही नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने नेताओं को गिरफ्तार होता देख पंजाब के क्रांतिकारियों में एक ज्वार सा उत्पन्न हुआ, और पंजाब के कोने कोने से लोग 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में और अपने साथियों की गिरफ्तारी से रिहाई की मांग को लेकर अमृतसर के जलियांवाला बाग पार्क में एकत्रित होने लगे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में भीड़ को बढ़ता देख तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने इस सभा को अवैध घोषित किया, लेकिन इसकी सूचना मैदान में एकत्रित भारतीयों को नहीं दी गई। इसके बाद जब भारी संख्या में लोग मैदान में एकत्रित हो चुके थे, तब जनरल आर डायर ने इस मैदान के द्वारों को अपने हथियारबंद सैनिकों के द्वारा घेर लिया और भारतीयों को बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब तक कि भारतीय संभल पाते, तब तक गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। अपने साथियों को प्राण गंवाता देख भारतीय इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस मैदान में स्थित एक कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वे भी मौत से ना बच पाए, और इस कुएं से बाद में 100 से भी अधिक भारतीयों के शव बरामद किए गए। कुछ लोग अपने प्राण बचाने के लिए इस मैदान की ऊंची ऊंची दीवारों को पार करने का असफल प्रयास करते रहे, लेकिन वे भी गोलियों की निशाना बनने से ना बच सके। और इन गोलियों की आवाजें तभी थमी जब बहुत से भारतीय अपने प्राण गंवा चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने इस कृत्य को छुपाने के लिए अमृतसर का संपर्क भारत के शेष हिस्सों और विश्व समुदाय से काट दिया ताकि इस घटना पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन अधिक समय तक इस घटना को छिपाया ना जा सका। और जैसे ही ये घटना विश्व समुदाय और संपूर्ण भारत में फैली, चारों ओर से ब्रिटिश हुकूमत की आलोचनाएं शुरू हो गई। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने कृत्य को छिपाने के लिए पुनः एक बार पर्दा डालने का प्रयास किया और एक हंटर कमेटी का गठन किया जो इस घटना की जांच करने वाली थी। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस घटना में 389 लोग ही मारे गए हैं, जबकि 600 से कुछ अधिक लोग ही घायल हुए हैं, लेकिन इन तथ्यों पर किसी को भी भरोसा ना हुआ। कांग्रेस ने इस घटना की हकीकत जानने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने इस घटना की सघन जांच की और ये पाया कि इस घटनाक्रम में 1000 से भी अधिक भारतीयों ने अपने प्राण गंवाए, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के इस कायराना हरकत के पश्चात संपूर्ण देश में क्रांति की एक ज्वारा उत्पन्न हो गई और ब्रिटिश विरोध का स्वर और भी अधिक बुलंद होने लगा। एक भारतीय उधम सिंह
जो कि इस घटना में अपने परिजनों को खो चुका था, उसने जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेने की ठानी और उसने ब्रिटेन जाकर तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या भी कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।